प्राचार्य श्रीमती को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ के बच्चों से मैं मिल सकूँ, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। देखिए ये उम्र जो है सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर में किया गया स्वास्थ्य जागरूकता दिवस का आयोजन। मुंगेर से रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायना इकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर में आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कविता वर्णवाल ने कहा कि बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने गर्भावस्था के कैंसर, PCOS, ट्यूबरकुलोसिस, समय के साथ स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव इत्यादि के विषय में बालिकाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने गर्भावस्था के कैंसर से बचने के लिए टीका लगवाने की बात की। आगे उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में बालिकाओं के में शरीर मानसिक हार्मोनल बदलाव होते हैं, इस समय संतुलन बनाकर रहें और चुनौती का सामना करें। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट लें और योगाभ्यास करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और समस्या यदि गंभीर हो तो चिकित्सक की सलाह भी लें। इस अवसर पर विद्यालय के दसम की छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालिका खंड की प्रधानाचार्य कीर्ति रश्मि, वहीं संचालक आचार्य शीला मेहता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह एवं उप प्रधानाचार्य उज्ज्वल किशोर सिन्हा भी उपस्थित थे। धन्यवाद। ज्ञापन एवं कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अभी हम सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर में हैं। आज यहाँ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें शहर की प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कविता वर्णवाल जी आई हुई हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि उन्होंने बच्चियों को क्या सलाह दी आज इस अवसर पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय जी एवं प्राचार्य श्रीमती कीर्ति रश्मि जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि यहाँ की बच्चियों से मैं मिल सकूँ, उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सकूँ। देखिए ये उम्र जो है किशोरावस्था की उम्र है और इस समय कई तरह के चेंजेस बॉडी में होते हैं, शारीरिक मानसिक हार्मोनल, और उन सबका संतुलन बनाकर व्यस्क बनना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और बच्चों में कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं, मेंटली वो लोग बहुत अपसेट हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं। तो मैं बस उसके बारे में बच्चों को कुछ टिप्स दे रही हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है PCOS बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और सिर्फ ओवरी तक ये सीमित नहीं है, ये मल्टी सिस्टम डिजॉर्डर है। अगर इसको समय पर नहीं कंट्रोल किया जाए तो ये डायबिटीज करा सकता है, हार्ट डिजीज करा सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, और साथ में इनफर्टिलिटी जो बहुत कॉमन है PCOS के केस में, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो मैं इन बच्चों को PCOS के बारे में बताना चाह रही हूँ और उसके लिए बेस्ट है सूर्य नमस्कार, नियमित रूप से योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, स्क्रीन से दूर रहना और नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना। दूसरा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है जिसके कई कारण हो सकते हैं, स्केंटीमेंसेस, कम ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, उसमें एक ट्यूबरक्लोसिस है जो बहुत कॉमन है हमारे पार्ट में, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कई बच्चियों का मेंस हमेशा के लिए बंद हो सकता है, उन्हें इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके कई मैंने भयानक परिणाम देखे हैं, कई परिवारों में बच्चियों को बहुत परेशानी होनी झेलनी पड़ी है। इसलिए अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो उन लोग ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराएं और उसका ट्रीटमेंट लें, ये 100% क्यूरेबल है। तीसरा बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मिलता है इसे इस ग्रुप में, ओवरी का ट्यूमर। मैंने एक बच्ची को देखा जो ओवेरियन कैंसर से सफ़र की और डेथ भी हो गया 13 साल की उम्र में। वो बहुत अच्छी स्कूल में बच्ची पढ़ाई करती थी, बहुत संभ्रांत परिवार से थी, और मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो। प्लस नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो डिस्चार्ज फ्रॉम विजाना या लिकोरिया या ब्रेस्ट में गांठ होना या हेयर फॉल, हेडेक, आई विजन प्रॉब्लम, ये सभी कॉमन है। वॉर्म इंसेशन बहुत कॉमन है इस एज ग्रुप में, जिसका कारण मोस्टली इरेगुलर और अनहाइजीनिक वे में खाना होता है या पानी सफाई से नहीं लेना है। उसके लिए मैंने इन लोगों को टिप्स दी है और मैं चाहूँगी कि लोग उस पर अमल करें।